الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته मेरे बुजुर्ग दोस्तों कैसे हैं सब सब ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों तीन चीज सोच समझ कर करना चाहिए। नंबर एक बात, जो बात करते हैं हम मुंह से जो बात निकलता है अगर इस बात से किसी को फ़ायदा हो तो करना चाहिए, अगर इस बात से फ़ायदा नहीं है नुकसान है तो चुप रहना चाहिए। वैसे ही वक्त, आप वक्त को इस्तेमाल करते हो अगर उसमें किसी को फ़ायदा है तो आप इस्तेमाल करो, अगर इस वक्त से फ़ायदा नहीं है किसी को फ़ायदा नहीं है तो इसे इस्तेमाल मत करो। वैसे ही काम, वालेकुम सलाम, जो काम करने से किसी को फ़ायदा हो वो काम करना चाहिए, अगर उस काम से किसी को फ़ायदा नहीं है तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मेरे बीच को दोस्तों अल्लाह तबरक ताला इंसान को जो ज़िंदगी दिया है वो ज़िंदगी बहुत ही कम है, किसी को 60 साल का है, किसी को 70-80 इतना ही मिलता है, तो इस थोड़ी सी मुख्तसर ज़िंदगी में हमको वो काम करना चाहिए जिससे हमारा ज़िंदगी अच्छा हो, जिससे हमारा आखिरत अच्छा हो। इस ज़िंदगी में ऐसा बात करना चाहिए जिस बात करने से हमारे आपस में मिल मोहब्बत हो, हमारे आपस में ताल्लुक अच्छा हो। ऐसा बात नहीं करना चाहिए जो बात करने से आपस में बिगाड़ पैदा हो, एक दूसरे से दूरी पैदा हो, ऐसा बात नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसा बात करो जिससे आपस में मोहब्बत पैदा हो, आपस में मिलाप पैदा हो। तो मेरे पास दोस्तों काम भी ऐसा ही करना चाहिए जो काम करने से किसी को फ़ायदा हो, अगर फ़ायदा नहीं है तो ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा, कुछ नहीं है। और इस ज़िंदगी, मुख्तसर ज़िंदगी, इसमें ही हमको दुनिया भी बनाना है, आखिरत भी बनाना है। सिर्फ ये नहीं है कि हम आखिरत बनाएंगे या दुनिया बनाएंगे, अगर दुनिया बनाएंगे आखिरत नहीं बनेंगे, नहीं। अल्लाह तबरक ताला आपको जो ज़िंदगी दिया है इस ज़िंदगी में, थोड़ी सी मुख्तसर ज़िंदगी में, हमको दुनिया भी बनाना है आखिरत भी बनाना है। इसलिए हम क्या करें, हम आप पहले तय करना चाहिए, हर काम करने से पहले आप तय करो, पहले तय करो तुम क्या करना है दुनिया में, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर तय नहीं, जो आदमी अपना ज़िंदगी में कुछ तय नहीं किया, ऐसा ही चल रहा है वो कामयाब नहीं हो सकता। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए पहले आप क्या बनाओ, लिस्ट बनाओ क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर जब लिस्ट बनाया फिर आप क्या करो, अच्छा करके सोचो, एक सोई और ध्यान के साथ सोचो, सोच समझ के उस काम में लग जाओ, ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। तो फिर आप और ये भी सोचो कि हमारे ज़िंदगी में क्या चीज़ अहम है और क्या अहम नहीं है, सब सोच समझ कर फिर सब तैयार करके फिर उस इस ज़िंदगी के रास्ता पर चलो, इंशाल्लाह आपको कामयाबी आएगी। और जो आदमी ज़िंदगी में कुछ सोचता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा ही चल पड़ा, वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। और जब आपने सोच लिया, तय भी कर लिया, ये मुझे ये करना है ये वो नहीं करना है, फिर आप एक्स सुई और ध्यान के साथ उसमें लग जाओ, ठीक है। फिर इंशाल्लाह देखोगे कि तुम्हारा ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है मेरे दोस्तों। तो मैं यही बता रहा था कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए, सोच समझ कर पहले से तय करना चाहिए, फिर उस रास्ता पर चलना चाहिए। और आपसे हमेशा याद रखिए, आपसे किसी को अगर फ़ायदा ना पहुँचे नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, अगर फ़ायदा ना पहुँचे नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए किसी से, क्योंकि अल्लाह तबरक तआला इंसान को बनाया एक दूसरे के फ़ायदा के लिए, अगर फ़ायदा ही नहीं है नुकसान है तो इंसान कैसा होता है भाई, इंसान नहीं होता, इंसान का काम ये नहीं है। इंसान एक बेहतरीन मखलूक है, अल्लाह तबरक तआला इंसान को बनाया बेहतरीन मखलूक है इंसान,
तो इस इंसान से किसी को फायदा होना चाहिए। अगर फायदा नहीं हुई तो वो इंसान बनाने का जो मकसद है वो बेकार है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक ताला आपको बनाया तो आप किसी को फायदा पहुंचाओ, बातों से फायदा पहुंचाओ, कामों से फायदा पहुंचाओ, वक्तों से वक्त देकर। ठीक है, तो मैं आपके सामने में ये बात रखा कि आप लोगों के काम में आओ, अगर काम में नहीं आए मुश्किल है। तो मेरे दोस्तों ठीक है, तो मैं आज मैं बहुत से ऐसा चैनल आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, और उनका बहुत सब्सक्राइब भी है, बहुत सब्सक्राइब है। मैंने उन चैनल में घुसा और देखा कि इतना इन लोगों को पसंद करता है आदमी, वो क्या करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं मैंने देखा वो मुझे तो पसंद नहीं आया, और ऐसा बात मुझे भी पसंद नहीं आया, मगर फिर भी लोगों को क्यों इनकी बात ऐसा पसंद है। जो मेरे पास तो कोई ऐसा बात बेकार से लगते हैं, मगर फिर भी लोगों को अच्छा लगते हैं। लेकिन मैं तो ये बताऊंगा कि मेरे भी तो दोस्तों आप लोग ऐसा बात करो जो बात करने से किसी को फायदा हो, लोगों की वक्त बेकार मत करो। आप ऐसा वीडियो बनाओ जो वीडियो में ऐसा बात करो जिससे लोगों को फायदा हो। अगर फायदा नहीं है, बेकार की चीज़ है, तुम बेकार एक लाइव वीडियो बनाया उसको छोड़ दिया, आदमी देख रहा है अपना वक्त बर्बाद कर रहा है बेकार की चीज़ देखकर, और वक्त बर्बाद कर रहा है अपना इंटरनेट का जो है ये भी बर्बाद हो रहा है। इसलिए हमको हर हमेशा सोच समझ कर बात करना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए ताकि लोगों को फायदा हो। ठीक है मेरे दोस्तों, अल्लाह तबरक ताला इंसान को सबसे बेहतरीन और इज्जतदार करके बनाया है, लिहाजा हम इज्जत अल्लाह हमको दिया है, हमको चाहिए कि हम ऐसा काम करें, ऐसा ऐसा काम करें कि सबको फायदा हो। ठीक है, और बेकार की चीज़ों से हम हर वक्त दूर रहे। तो इंशाल्लाह मैंने जो वीडियो बनाऊंगा या बनाता हूँ इसमें कभी मैं ऐसा बात नहीं बोलता जिस बात से किसी को फायदा ना हो। मैं हमेशा ऐसा बात बताऊंगा इंसान हर इंसान के लिए फायदा हो, दुनिया में जितने इंसान बसते हैं सबके लिए फायदा हो, सबके लिए नफा हो। और ऐसा बात बताऊंगा जो जिससे आदमी बुरी चीज से बचे। अगर ऐसा वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह सबको फायदा होंगे इंशाल्लाह। मेरे को तो दोस्तों मैं इंशाल्लाह सामने में और बहुत से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और मैं दलाल के साथ बात करूंगा इंशाल्लाह। आप देखते रहिए मेरे वीडियो को, और ज़रूर बिल ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा दूसरा चैनल है XJATV2, ये एक है, और दूसरा है द हिंदी वर्ल्ड। हिंदी वर्ल्ड के लिए अभी तक एक सिम कार्ड की ज़रूरत है, मेरे पास एक सिम पहले से है, तो वो सिम को कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के बाद दूसरा सिम लेंगे, फिर माई द हिंदी वर्ल्ड को वेरीफाई कर सकते, मगर ये कैंसिल करने में थोड़ा देर लग जाएंगे। ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इसलिए मैं अभी ये हिंदी तमाम वीडियो को मैं JATV 2 में ही डालूंगा, अपलोड करूंगा। ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों, इंशाल्लाह जब वो सिम कैंसिल हो जाएगा दूसरा नया सिम लाएंगे, फिर मैं वेरीफाई करने के बाद स्पेशल हिंदी चैनल मेरा द हिंदी वर्ल्ड में तमाम हिंदी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा। ठीक है, तब तक जब तक ये काम ना होगा मैं ये JATV 2 में ही तमाम हिंदी वीडियो अपलोड करूंगा मेरे को दोस्तों। तो ठीक है, मैं आपका वक्त ज़्यादा लेना नहीं चाहता, मैं इस वीडियो में इतना ही बताया। और मैं जैनल आबदीन हूँ, मैं अब सऊदी अरबिया में हूँ, सऊदी अरब में मैं इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ।
वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल वर्धमान। तो मेरे बोलते दोस्तों आप मेरे साथ रहिए, इंशाल्लाह मैं हर दिन आपके लिए एक एक वीडियो तैयार करके आपके सामने में लाऊंगा इंशाल्लाह। और हर वीडियो में ऐसे ऐसा बातें बताऊंगा जिससे आपको फ़ायदा हो, ऐसा वीडियो कभी नहीं बनाएंगे हम जिससे किसी का फ़ायदा नहीं हो, ठीक है मेरे बुजुर्ग दोस्तों। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन में क्लिक कीजिए। मैं तमाम मेरे दोस्तों को, मेरे वीडियो देखने वालों को सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।